चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा में सामाजिक कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेता कमल पटेल ने अपने हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बसपा में प्रवेश कर लिया। कमल पटेल की बीएसपी में शामिल होने से चंद्रपुर विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा में सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। कुछ महीने पहले जनता कांग्रेस जोगी के काफी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़ दी थी। एक तरफ जुदेव परिवार अपनी एड़ी से चोटी तक दम लगाते नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेता कमल पटेल अपने हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बसपा में प्रवेश ले लिया है। उनके पार्टी छोड़ने का कारण अभी गोपनीय रखा गया है। ऐसे बड़े बदलाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजनीति किस ओर भारी पड़ रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के बड़े बसपा नेता शामिल हुए और शुभकामनाएं दी और आगामी चुनाव में कार्य करने की रूपरेखा भी बताई। आज का कार्यक्रम विधानसभा के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी के संगठन को धार देने के लिए उसकी समीक्षा बैठक थी, जिसके सेक्टर स्तर तक के पदाधिकारी हमारे उसमें बुलाए गए थे। और हमें इस बात की खुशी है कि चंद्रपुर विधानसभा में 24 सेक्टर हमारे हैं, सभी सेक्टरों के पदाधिकारी उपस्थित थे और निश्चित रूप से उन लोगों ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले विधानसभा में चंद्रपुर से बहुजन समाज पार्टी का MLA होगा। सर, गठबंधन का कोई फैसला है? इसके बारे में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय करेंगे। अभी जो भी निर्णय होना है उनके स्तर से, और आप जो उन्होंने अपने बात को टीवी चैनलों पर रखने का काम किया। अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बहन कुमारी मायावती जी को निर्णय करना है। निश्चित रूप से समय के अंतर्गत ही उम्मीदवारों का नाम तय हो जाएगा। चारधारा से बहुत ही प्रभावित हुआ, इस कारण मैंने आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश किया और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और किसी को भी पार्टी टिकट दे, ऊपर का संगठन तय करे, उसी के पक्ष में तन मन धन लगा के मैं काम करूंगा। और बिल्कुल इस बार बहुजन समाज पार्टी 30,000 से ऊपर मतों से विजयी होगी। पिछले बार दूसरे पोजीशन में थे हम, क्योंकि यहाँ के स्थानीय विधायक एकदम निष्क्रिय हैं। 5 साल में एक भी दिन यहाँ क्षेत्र में आए नहीं, और कांग्रेस में भी जिस हिसाब से अंतर्कलह का माहौल चल रहा है, बसपा निश्चित रूप से इस बार विजयी होगी। वहाँ कोई कार्यकर्ता बन के काम नहीं करना चाहता, हर कोई टिकटार्थी है और एक दूसरे को टिकट देने पर विरोध की बात करते हैं, और जबकि बहुजन समाज पार्टी एक है। मैं आज पार्टी ज्वाइन किया हूँ, मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं प्रत्याशी के लिए तन मन धन लगाकर काम करूंगा। बहुजन समाज पार्टी की चंद्रपुर विधानसभा का सभी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय लाल जी वर्मा साहब उपस्थित थे, माननीय दाऊ राम रत्नाकर साहब उपस्थित थे, और बहुत ही एक सहयोग और खुशी की बात है कि आज एक वरिष्ठ कद्दावर कांग्रेस के नेता भाई कमल किशोर पटेल जी, जो अधिवक्ता हाईकोर्ट के हैं, उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश वाजपेयी जी उनको फूल माला के साथ स्वागत किए, और सभी कार्यकर्ता में बहुत ही जोश और खरोश और उमंग के साथ आज भावी नई पीढ़ी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने लगी है। इससे सुनिश्चित होता है कि नए युवा लोगों की एक बहुत अच्छी फौज बन रही है, और हमें पूर्ण आशा है कि आदरणीय भाई कमल किशोर पटेल के आने से एक पार्टी में नई ऊर्जा आई है, और मैं उनको बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के हैसियत से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। बस उसके एक तो हमारा पहले से भी पूरा तैयारी चल रहा है, पूरा सेक्टर में 25 सेक्टर का विभाजन हुआ है, और सभी सेक्टर के लोग हमारे आज उपस्थित भी थे, और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि कमल जी एक यंग युवा हैं और उनका राजनीतिक अच्छी सूझबूझ है, और बहुत ही साधारण और सरल मिजाज के हैं। लोगों की एक आस्था बनी है कमल किशोर के आने से, और उनका बहुत ही एक अच्छा हमें सहयोग मिलेगा। अगर आने वाले समय में
कांग्रेस के साथ बसपा का नेशनल लेवल पे गठबंधन हो जाता है, जिस तरीके से हालात बन रहा है पूरा देश में, तो हमें भी उम्मीद लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होगा। लेकिन इसके बारे में कांग्रेस को टिकट मिलता है तो क्या किस प्रकार का अब इसके बारे में बहन माननीय बहन जी ज्यादा जानेंगी। और अब ये तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता के दोनों के आचार विचार से बात होगा। और टिकट के बंटवारे में जहां तक उम्मीद है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी चंद्रपुर में दूसरा नंबर पे है, तो स्वाभाविक ही बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में यहां की सीट आएगी, हमें आशा है। जांजगीर से भूपेश जायसवाल की रिपोर्ट, सारंगढ़ की। और रेलवे द्वारा जब भी किसी